मैं ये बोल रहा हूँ कि ये एक ऐसा सरप्राइज है जो मुझे पता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं स्कूल ड्रेस में हूँ, स्कूल जा रहा हूँ। आज मेरे पापा का बर्थडे और उन्हें लगता है कि मैं उन्हें विश करना भूल गया हूँ, तो अभी जाते हैं उन्हें विश करने के लिए। और ये है मेरे पास चॉकलेट, मैंने लिया है दो चॉकलेट, एक मेरे लिए और एक अजान के लिए, कि हम दोनों पापा को विश कर सकें। हैप्पी बर्थडे पापा। तुमको याद था, हमको तो लगा भूल गए, कपड़ा वपड़ा पहन के आराम से रात में बोली हम नींद आ रहा है, नींद आ रहे पापा, हम सो जाएंगे सुबह उठ के बोलेंगे। सुबह पता है 12 बजे सारे लोग ने विश किया फोन करके, नन्नी मम्मा सब। ये क्यों नहीं जाके, तुम क्यों नहीं जाके रात में? हैप्पी बर्थडे तुम लोग को, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आपको भी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये चॉकलेट मेरी तरफ से वापिस से, और मेरी तरफ से ये आपके लिए। हाँ, ये काम का चीज है, क्योंकि आपका जो नाम है वो इससे ही जुड़ा हुआ है। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। पूरा देश मना रहा है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इसके लिए आपका नाम है मोहम्मद आजाद, और आपका बर्थडे कोई भूल ही नहीं सकता है, कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है आपने किसी के लिए। सबको मालूम है कि 15 अगस्त को होता है आपका बर्थडे। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, अल्लाह आपको कामयाबी अता करे। आमीन। Show me your hand. चलो आसान। तो स्कूल में है ब्रेकफास्ट, बहुत मजे। आज हमको आराम हो गया, देना नहीं पड़ा। मुझे तो घर का खाना पसंद है, पता नहीं वहाँ क्या देंगे। बाय बाय, चलो मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। आप सबको भी फ्रेंड्स, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे से, अल्लाह हाफिज। चलो बाय बाय, बाय बाय, अल्लाह हाफिज बाबा। अम्मी का फोन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहिए, बहुत बहुत जन्मदिन आपका मुबारक हो, अल्लाह आपकी मुराद पूरी करे, हमेशा खुश रखे अल्लाह। आमीन आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाह आपकी भी सारी मुरादों को पूरा करे। हाँ, यही हम लोग की दुआ है, और कुछ तो नहीं दे सकते हैं। दुआ कैट गिफ्ट दिला चुकी है, ये मत बोलिए कि कुछ नहीं दे सकते हैं। सही बात, बस वही वही मेरा अपना घर का एक ख्वाब है कि अपना घर मेरा एक हो जाए, जिसको हम जिसको जिसको हम अपने पैसे से खरीदे, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो जल्दी ही हो जाएगा। आमीन, और अल्लाह आपकी भी मुराद को पूरी कर दे। अल्लाह आपको सेहतमंद रखे, हम लोग के बीच रखे। खाना खाना खा लिया? ओ सॉरी, नाश्ता नाश्ता कर लिया? चलिए ठीक, लगा लिया मेहंदी? हाँ, लाल तो हो गया माशाल्लाह। ठीक है अम्मी, आराम कीजिए। तो ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो अब कैसा रहा? बहुत अच्छा। मजा है ना? क्या क्या मिला यार खाने के लिए? लड्डू और लेमन राइस। लड्डू और लेमन राइस, हाँ सर। चलो ठीक, चलो अभी गाड़ी लगी हुई है, चलो गाड़ी के पास चलो।
और बाकी सारा कर लिया, वो सब देखो अच्छे से किया। अभी बर्थडे लगाना बाकी रह गया, उसके बाद हम जाएंगे पापा का केक लाने। हाय फ्रेंड्स, मैंने पापा के लिए गिफ्ट तैयार कर लिया। मैंने पापा के लिए गिफ्ट तैयार कर लिया। वाह बहुत अच्छे लड्डू। पापा को देना अच्छे से, इसको इसको हाइड करके रखो। 29 हाइड दिस। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अयान अजान व्लॉग्स। कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे और हम सब भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। और आज की व्लॉग की शुरुआत अयान ने की है, और अयान ने जैसा कि आपको बताया कि आज आज़ाद का बर्थडे है, तो हम सब आए यहाँ पर केक लेने के लिए। और रास्ते में मुझे अपनी घड़ी की बैटरी चेंज करानी थी, तो हम यहाँ इस घड़ी के शॉप पर आए हैं। ये रहा आज़ाद का बर्थडे केक, चॉको चिप्स बर्थडे केक ऑर्डर किया था मैंने, और मैं उनके लिए कोई फनी सा कैप ढूंढ रही हूँ और वो मिल नहीं रहा है। कोई अच्छा सा कैप चाहिए था मुझे। ये खाने वाला बच्चा अकेले अकेले खाता है। कैसा? गरम। डोनट्स की तरह गोल मटोल है मेरा लाडू। अयान हमारे साथ केक शॉप पर नहीं आया क्योंकि उसे पता नहीं कुछ सरप्राइज प्लान करना है, उसने मना कर दिया आने से। और उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है कोकोनट जैगरी केक, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, और डोनट जो है वो आसान नहीं खाया है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये एक ऐसा सरप्राइज है जो मुझे पता है क्या क्या होने वाला है, क्योंकि सब कुछ मैं खुद कर रहा हूँ, अपने सरप्राइज की तैयारी खुद ही कर रहा हूँ। आप सरप्राइज की तैयारी नहीं कर रहे, आप सिर्फ हमको फॉलो कर रहे। फॉलो फॉलो कर रहे। बाबू ये कौन जलाएगा? ये सब हम जला देंगे। ये कहाँ लगा? क्या है ये? ये मनोहर लाल बना दिया एकदम। आपके लिए स्पेशल कैप लिया। यार उसका ठीक करो स्माइली। ये मनोहर के पोती वाले बंदर लग रहे हैं, तो बाल भारती है। ले लीजिए। अरे वाह क्या बात है। हैप्पी बर्थडे बोलिए पापा। हैप्पी बर्थडे। पैसा मिला है पापा के तरफ से? पापा पापा शुक्रिया। Happy birthday to you. Happy birthday to you.
birthday to you. ये है अम्मी की तरफ से यानी मेरी मदर इन लॉ, उन्होंने दिया है ये गिफ्ट। ये देखें एक्टिव कसूज, एक्टिव कसूज है, बहुत ही अच्छा है, लाइट वेट है, बहुत खूबसूरत, बहुत कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल भी बहुत है। और ये शर्ट मिला है मेरी चाइना, मेरी वाइफ नाटू उसके तरफ से। और ये है, अच्छा है यार, ये तुम कब बना लिए? बहुत अच्छा सरप्राइज दे दिया यार, क्या जबरदस्त बनाया, क्या है यार इसमें, क्या पैक किया? अच्छा, दे दे दे। अरे थैंक यू बेटा, क्या है यार इसमें, जो सबसे पता पहले है क्या? तुम्हारा खोल के देखेंगे, पता है क्या, इससे अच्छा पैकिंग कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे पहले अज्जू का हम चॉकलेट खोल के देखेंगे। चॉकलेट खोल, बता भी दिया वो कि चॉकलेट है। चॉकलेट है बाबू मेरा, पता है, ओ तेरी की, ये तो, ओह माय गॉड, एक्चुअली ये चॉकलेट मुझे इन्होंने दिया इसलिए है कि मुझसे मांग सके वापस, चॉकलेट गिफ्ट किया हमको। और एक बात बताएं, इससे अच्छा कोई पैकिंग हो ही नहीं सकता दुनिया का, कोई भी रैपर इसके मतलब जो रैप करते हैं पैक करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं। जबरदस्त पैकिंग किया है मेरे बड़े बेटे अयान ने, ये देखें आर्टिस्ट। हाँ, ये सूखा हुआ है तो क्या हुआ, कल हेल्दी होगा ये। बेइज्जती नहीं बेटा, बहुत अच्छा का सीजन का भी बनाया इसने कि यहाँ से ऐसा कट करना है। इसलिए तुम केक शॉप पर नहीं गए थे ना, इसी सरप्राइज के लिए। जबरदस्त है यान, थैंक यू, थैंक। क्या बात है, क्या है भाई, तुम जल्दी से बड़े हो जाओ ताकि हम लोग सरप्राइज दे सके, लेके जाना। ओ, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत पेन है। और क्या है, और तेरी की डैडी है, डैडी भी साथ है, डैडी भी बहुत खूबसूरत है, ये देखें, दोनों ही चीज मेरे काम कर दिया है आज आयान ने। बहुत ही अच्छा पेन है, अच्छा नेस्ले का चॉकलेट है। शुक्रिया, थैंक यू बहुत बहुत चॉकलेट्स के लिए, गिफ्ट्स के लिए, और ये पेन से हम तुम्हारा इतिहास लिखेंगे। और अभी हम लोग कहाँ चलेंगे? अभी हम लोग चलेंगे खाना खाने, आज की पार्टी मेरी तरफ से। वाह, और ये भी अयान ने किया, ये चारकोल बारबेक्यू रेस्टोरेंट, और हम सब यहाँ आए हैं डिनर करने के लिए। पापा फर्स्ट टाइम आ रहे हैं हमारे साथ, हम सब हमेशा यहाँ पे आया करते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे एंट्रेंस पे ही इन्होंने बहुत सारे पेट्स रखे हुए हैं, कैट है, पैरोट है, बहुत तरह के बर्ड्स है, बहुत अच्छा लगता है, बच्चे हमेशा आते हैं तो इनके साथ थोड़ा इंजॉय करते हैं। ये देखिए प्रिंस कैट है, अभी तो थोड़ा कम भी हो गया है, पहले तो मतलब बहुत ज़्यादा हर तरह के बर्ड्स थे। यहाँ पर फिश है,
ले बस 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 कर देगा।